रिपोर्ट में आपके साथ मैं हूं नामिका। राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर एक बार फिर से हमला बोला है। इस बार उन्होंने राफेल विमान खरीद और नागरिकता कानून की तरह कृषि कानून को लेकर के लोगों को गुमराह करने के आरोप लगाए हैं। कल सोमवार को ट्वीट करके मोदी ने कहा कि राहुल गांधी की पार्टी की सरकार ने पंजाब की कुछ बड़े किसानों को मंडी और ठेका खेती को लेकर के ऐसा उकसाया कि वो महीने भर से दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब किसानों के मुद्दे पर सरकार से बात होनी थी तो इसके पहले राहुल गांधी बिना कोई कारण बताए इटली चले गए। अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल विधायक तेजस्वी यादव ने कई बार साबित किया है कि वर्षवादी राजनीति के राजकुमार देश को जिम्मेदार विपक्ष नहीं दे सकते हैं। तेजस्वी यादव भी चमकी बुखार जब रहा, बाढ़ की स्थिति रही, विधानमंडल सत्र के समय बिहार से गायब रह चुके हैं। अब देश जानना चाहता है कि जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पारदर्शी और उद्देश्यपूर्ण कूटनीतिक विदेश यात्राओं पर सवाल पूछते हैं, वे अपनी यात्राएं जो है वो इतनी रहस्यमय क्यों रखते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 99.9% लोग जो हैं जिसे दोबारा अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, वो पार्टी के स्थापना दिवस पर अपना समय जो है वो ननिहाल में बिताना चाहते हैं। देखिए ये वो कमेंट में बात उन्होंने कही है। अब आपको बता दें कि कृषि बिल को लेकर के भी बहुत सारी बात हुई है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कांग्रेस का दावा है कि कृषि बिल पर 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर किए गए। उन्हें बताना चाहिए कि हस्ताक्षर अभियान कब चलाया गया। बिहार में तो कहीं कोई हस्ताक्षर अभियान चलता नहीं दिखा। उन्होंने कहा कि फर्जी दस्तखत वाला ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपने के लिए राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। काफी बड़ी बात कही है मोदी ने, सुशील कुमार मोदी ने। आप देखने वाली बात यह होगी कि राहुल गांधी की तरफ से क्या कुछ बातें सामने आती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नाविकों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।